भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एक बड़ा झटका लगा है। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल ही नहीं किया गया है। श्रेयस अय्यर के अलावा ईशान किशन भी इस टेस्ट टीम में जगह बना नहीं सके हैं। ये तब हुआ है जब इन दोनों खिलाड़ियों को BCCI के केंद्रीय अनुबंध से पहले ही बाहर कर दिया गया था। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया डी के लिए अर्धशतक लगाने के बावजूद चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन भी घरेलू सीरीज में लगातार रन बनाने का काम कर रहे हैं। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे युवा खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में अय्यर और ईशान किशन की अब जगह ले ली है। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल ने खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। दोनों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए चुना गया, जो भारतीय क्रिकेट में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाता है। दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की करने की होगी। अय्यर ने साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी पहली पारी में शतक लगाया, दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया और हालांकि हाल ही में उनका फॉर्म जो है वो काफी ज्यादा खराब रहा है। पिछली 12 पारियों की अगर हम बात करें तो अर्धशतक बनाने में विफल रहे हैं। इस गिरावट ने उन्हें मौजूदा टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल के मैचों में श्रेयस अय्यर ने पहले 2 टेस्ट ही खेले हैं, उसके बाद उन्हें बाकी 3 टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया। तब से वे टेस्ट टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें चयनकर्ताओं का ध्यान भी आकर्षित करने के लिए घरेलू क्रिकेट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देना ही होगा। लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम चुनी गई है उसमें ना तो श्रेयस अय्यर है जो कि अभी अभी दिलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आए और ना ही ईशान किशन है जो कि इंजरी की वजह से दिलीप ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा।